गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मुझे फूल बिल्कुल भी नहीं मिला, तो आपको दे सकते सिर्फ एक, मतलब तीन चार फूल मिले हैं, जो कि मैं उसमें से चार पांच मिले थे मुझे, जिसमें कि एक आंटी को मैं देती हूँ, और आप लोग फटाफट दर्शन कर लीजिए मेरे लल्ला का, भोले बाबा का, सबका। छुट्टी है तो सभी लोग सो रहे हैं, तो मैंने वैसे भी आज जल्दी मैंने बहुत पूजा कर लिया, क्योंकि आदत सी हो गई है ना सुबह सुबह उठने की, बहुत जल्दी भी मैंने पूजा कर लिया है। तो चलती हूँ नीचे, और नीचे जाके आपको दिखाती हूँ क्या करती हूँ। नीचे आके मैं करती हूँ पता है क्या, वेट, सभी लोग सो रहे हैं, मेरी सोसाइटी में भी लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं आई थिंक। ये तांबे के लोटे में मैंने क्या किया, एक फूल लिया है, इसमें दुर्वा डालूंगी, वाइट फूल डालूंगी, अपने मेन गेट की दाहिने साइड में एक कलश मैं रोज रखती हूँ, पहले नहीं रखती थी, अभी मुझे पता चला तो मैं डेली रखती हूँ। सो गाइस, मैं जा रही हूँ आज कढ़ी चावल बनाने, और कढ़ी चावल तो ये अभी मैं बनाऊंगी पकौड़े, मैं पकौड़े बनाऊंगी एंड आज वीकेंड है, तो वीकेंड में लेकिन सब कुछ हम लोग खाना ना एक दिन ही ठीक से खा पाते हैं, सैटरडे, क्योंकि सैन सैटरडे को रहते हैं, बट ये आज भी नहीं है, तो कोई नहीं, आज भी नहीं है, कोई नहीं, आ जाएंगे लंच टाइम में आ जाएंगे, इसलिए मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज में ऐसे अपने लिए कुछ हेल्दी डाइट में ले लेती हूँ, दलिया बना लेती हूँ, ओट्स बना लेती हूँ, बट आज कढ़ी चावल, बहुत दिनों से बोल रहे थे कढ़ी चावल बनाओ। कैमरा इधर रखती हूँ, मेरे को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, वो भी मुझे अपने हाथ का, और किसी के हाथ को मुझे कढ़ी चावल पसंद, मैं अपने कढ़ी चावल बहुत पसंद करती। फिर मैं स्टडी कर रही हूँ, आपने सुबह में आपसे मिली जब से जगी, घर में कोई फैमिली नहीं है ना, तो ब्लॉग में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा, क्या है दो लोग ही हैं, दो लोग में ही सिर्फ मैं ही आप लोगों से ज़्यादा मिलती होंगी, और भी कभी कभार नवीन तो बहुत कम दिखते होंगे आपको ब्लॉग में, कोई नहीं, वो काम बहुत ज़रूरी है, ये तो चलो ठीक है। मैंने पकौड़ा डाल दिया, उसके बाद में कढ़ी के तड़का क्या डालूँ कि मैं आपको बताती हूँ, मैं कढ़ी क्या बोलते हैं कढ़ी का तड़का देने जा रही हूँ, सूखी मिर्ची, मेथी दाना एंड करी पत्ता,
पानी डालूंगी। आप मेरे हाथ से कभी कढ़ी खाते देखो, बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी नहीं, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। सबकी पसंद आ रही होती है, मुझे अपनी कढ़ी बहुत पसंद आती है। बहुत ये जो पकौड़े मैंने फ्राई किए, फ्राई मतलब डीप फ्राई, इसमें डाल दिए। बना रही हूँ ग्रेप्स का जूस, ये एक गिलास बन चुका है, पीहू को देती हूँ, उसके बाद मैं लूंगी, क्योंकि इसको पीने के बाद तो बहुत नींद आएगी। पीहू पी के देखो तो। ग्रेप्स का क्या नाम है? ग्रेप्स है। कैसा है? मस्त है, हाँ थैंक दो। अच्छा पी जाओ, फिर और बना देती हूँ। थोड़े पल पा रहे नीचे। हाँ वो ठीक से छन नहीं पाया होगा ना। हो गया लंच टाइम। अब लंच टाइम सबसे पहले मेरे लल्ला खाना खा रहा है कढ़ी चावल। ये मेरे लल्ला खाना खा रहे हैं कढ़ी चावल, पसंद है किचू को, कृषु को पसंद है। शंकर जी के कोई मंदिर में भी जाओ तो थोड़ा सा बेटी के लिखिया ना, माधो के लिखिया, गुरु के लिखिया ना, गुरु आज के हाजरिया भेला पतियों पे लिखिया ना, गुरु आज के हाजरिया भेला पतियों पे लिखिया ना। नाचो, कुछ नहीं मिलेगा सिया, कुछ जो नाचता है उसी को प्रसाद मिलता है। नाचो नाचो सिया, मैं आ गई वहाँ से पूजा पे से, पूजा में गई थी वहाँ से आ गई, वहाँ से कुछ कुछ क्लिप मैं आपको मैं इसमें ऐड करूँगी, जो आरती का था मतलब जो भी पूजा का था मैं उसको ऐड करूँगी। और अभी मैं कुछ शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जो मैंने बना के रखा है। ये हमारे सिस्टर के घर पे रुद्राभिषेक हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मेरी सिस्टर है, मेरी जीजू है, ये भोले बाबा सबको मन इच्छा पूरी करो। रुद्राभिषेक हो रहा है, ब्लॉगिंग बना रही हूँ। दीदी के घर पे हो रहा है, अपने घर पर भी जिस दिन अपन करेंगे उस दिन करेंगे।
हमारे घर में बन रहा लिट्टी चोखा और फ्राई वाली लिट्टी बन रही है। ये देखो, ये मैंने लिट्टी बना के रखा है, चोखा बना के मैंने रखा, लेकिन आपको पता ही है नवीन क्या करते हैं, तो वही हो रहा मेरे घर में। मीन्स फ्राई हो रही है लिट्टी, लिप फ्राई। और मैंने अभी ड्रेस नहीं पहना, नहीं चेंज किया है, बिकॉज़ मैंने बोला थोड़ा एक दो रील बना लेती हूँ यार, ऐसे तो कपड़े ऐसे भंगार वाले डालती रहती हूँ, टी शर्ट जीन्स, तो उस पर फोटो अच्छे नहीं आते। आज दो दो जगह हुआ हमारे फोटो में से चर्चा हुई, और मेरे सिस्टर के घर पे रुद्राभिषेक हुआ, तो वो भी ब्लॉग में डालूंगी। तो वो प्लेटिंग भी मैंने कर ली है, और प्लेटिंग में दिखाती हूँ आपको मैं लिट्टी चोखा, लिट्टी है मेरा फेवरेट। सबने बोला पूड़ी बनाओ, पूड़ी एक्चुअली मैंने इसमें नहीं बनाया क्योंकि मैं एक से दो खाती हूँ, उससे ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने पूड़ी नहीं बनाया। लिट्टी चोखा खाके बताती हूँ मैं, एक बार टेस्ट करती हूँ फिर। सुबह देखा लो।